गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर इज दैट ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड इट्स इन लोएस्ट फॉर्म। तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो देखिए मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला शर्त ये है कि डिनोमिनेटर इज़ पॉजिटिव। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा क्या है? इट इज़ इन द लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने लोवेस्ट फॉर्म बताया था। देखिए इसको हम लोग, ये मेरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि -24/-84, इसको हम लोग क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है, डिनोमिनेटर से माइनस को हटाना है, है ना। तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो हम लोग कर सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब देखिए -24 × -1, तो +24/-81 इंटू वन, तो एटी फोर था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कैंसिलेशन कीजिए, कटाइए इसको। 12 × 2 = 24 और 12 × 7 = 8। तो यही मेरा जो है, ये देखिए अगर देखा जाए तो ये लोवेस्ट फॉर्म भी हो गया मेरा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी है। तो सो 2/7 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -24/87। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड, इसी को मैं पहले भी दूसरा मेथड से बता देता हूँ। 24/-84 है, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, माइनस और माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब 24/84 आया, अब इसको फिर कैंसिलेशन कर सकते हैं। चलिए ये तो रहा कब, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस रहेगा तब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल में। देखिए आप लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस है, क्या करेंगे, सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो 36 × -1, 30 − 36 − 180 × 1, तो +180, इसको कैंसिल कर दीजिए। 36 × 5 = 185 होता है, -5 बन गया मेरा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर में माइनस हो तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार आप लोग ये चार सवाल बनाएंगे और सॉल्व करेंगे।